हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस इजी रेसिपीज। आज हम अपने किचन में आंवले की चटनी या लच्छा बना रहे हैं। इसके लिए ना तो हमें आंवले को उबालने की जरूरत है और ना ही धूप में सुखाने की। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से बनाई हुई चटनी काफी लंबे समय तक टिकी रहती है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। चटनी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम आंवला लिया है। आंवले को धोकर अच्छे से पोंछ लिया है। ना तो मैं इनको उबालूंगी ना ही इनको सुखाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हम इनको डायरेक्ट एक ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। इनको ग्रेट करने के लिए हमने ग्रेटर की मोटी वाली साइड को यूज किया है और इनको ग्रेट करने के लिए कोई खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आंवले बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाते हैं। ये देखिए, पूरा आंवला ग्रेट हो चुका है और इसकी गुठली को हम हटा देते हैं। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए सारे आंवले भी ग्रेट कर लेंगे। बचे हुए सारे आंवले हमने ग्रेट कर लिए हैं और ये जो गुठलियां बच गई हैं इनको हम हटा देते हैं। अब सबसे पहले हम गैस पर एक नॉनस्टिक कढ़ाई चढ़ा देते हैं और इसमें दो चुटकी हींग डाल देते हैं। हींग को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे हींग का फ्लेवर अच्छा आ जाएगा और हींग का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा। हींग की अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें आंवला डाल देते हैं और एक स्पैचुला से आंवला को मिक्स कर देते हैं, जिससे इसके साथ हींग का फ्लेवर मिक्स हो जाए। अब हम इसमें गुड़ डाल देते हैं। मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है, जिसको नाइफ से क्रश कर लिया है, जिससे कि गुड़ जल्दी मेल्ट हो जाएगा। जितना आंवला है हम जनरली उतना ही गुड़ लेते हैं, लेकिन इसमें से थोड़ी सी गुठलियाँ निकल गई है, इसलिए मैंने 250 ग्राम आंवला में 200 ग्राम गुड़ लिया है, 50 ग्राम गुड़ कम कर दिया है। आप चाहे तो बराबर का भी ले सकते हैं। आंवला बहुत हेल्दी होता है और आजकल आंवले का सीजन है, तो इसलिए इसको आप किसी न किसी रूप में, चाहे वो चटनी के रूप में, अचार के रूप में या सैलेड के साथ, इसको आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। गुड़ और आंवले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ी देर इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे, जिससे कि गुड़ मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो गुड़ मेल्ट होना शुरू हो चुका है। अब हम इसको छोड़ देते हैं और गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट होने देते हैं। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो ये तली में लग सकता है। ये देखिए, गुड़ सारा मेल्ट हो चुका है। गुड़ बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। इसको एक बार मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें एक चम्मच नमक डाल देते हैं और चौथाई चम्मच का भी आधा, यानी 1/8 टीस्पून इसमें हम हल्दी डाल देते हैं, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं और इन सबको मिक्स कर देते हैं। आधा चम्मच इसमें हम काला नमक डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं और 1 चम्मच इसमें सौंफ डाल देते हैं। सौंफ हमने मोटी मसाले वाली सौंफ ली है, इसको दरदरा पीस कर लिया है। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। 2-3 मिनट इसको ऐसे ही पकने देते हैं। बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे। अब इसमें आधा चम्मच हम कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। वैसे ये ऑप्शनल है, मैं कलर के लिए इसको यूज करती हूँ। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और गैस की हीट को स्लो कर दिया है। इसको लिड से ढक देंगे और 5-7 मिनट के लिए स्लो हीट पर इसको पकने देते हैं। 5-7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका लिड हटाकर चेक कर लेते हैं। एक बार इसको मिक्स कर देते हैं, गैस की हीट को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और थोड़ी देर इसको इसी तरह से चला लेते हैं और इसके अंदर जो पानी है इसको थोड़ा सा सुखा लेते हैं। ये देखिए, हमारी आंवले की चटनी या लच्छा तैयार हो चुका है। अब हम इसमें 3/4 टीस्पून भुना हुआ जीरा डाल देते हैं। जीरे को दरदरा पीस लिया था, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। इसमें 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डाल देते हैं। आंवले का टेस्ट हल्का सा कसैला होता है, नींबू का रस डालने से आंवले का कसैलापन दूर हो जाता है, इसलिए हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। नींबू का रस डालकर इसको मिक्स कर देते हैं। 15-20 सेकंड के लिए इसको इसी तरह से चला लेते हैं और गैस की हीट को ऑफ कर देते हैं। इस तरह से आंवले की चटनी तैयार है। इसको आप रोटी, पूरी, पराठा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से बनाई हुई चटनी काफी लंबे समय तक खराब नहीं होती है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी तरह की और भी नई नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।